इज गौरव वन सेकेंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। वेल दोस्तों, आज हम लोग जा रहा है रोंगजेंग मेजुल ग्रे वांचो। यहाँ पे 16 मार्च 2000 महीना फिजिंग कम्पिटिशन होने जा रहा है, तो चले चलते हैं। तो रोंगमिल बाजापार होने का 5 मिनट बाद में एक छोटा सा जगह आता है जिसका जगह का नाम है गाबिल बिसा। इस तरफ हो गया आपको दुतनाई जाने का रोड है ये, और आपको इस तरफ हो गया आपको नंगल जाने का, और ये जो बीच में आपको रोड दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया आपका मेजर ग्रे वांचो जाने का रोड यही है, जो कि मैं अभी जाऊंगा इसी रोड। तो चलिए देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फाइनल गर्स में पहुंच गया हूँ मेजर ग्रे वांचो फिशिंग कम्पिटिशन के स्पॉट पे, जहाँ पे 16 तारीख का फिशिंग कम्पिटिशन होने जा रहा है। एरिया से आते हो जैसे कि विलम नगर, रोजेंग, लखनऊ, शिजु, अगर ये सब जगह से आप लोग आते हो तो आप लोग रोंगबिल होके मत आइएगा। ये बहुत रोंगजेंग हो गया, रोंगजेंग से आप एड्रेस पूछ लीजिएगा, वहाँ से एक बाईपास रोड है, वो रोड होके आप लोग आइएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोग को बस शॉर्टकट भी पड़ जाता है, रोड वगैरह भी बढ़िया रोड है। रोंगमिल होके आप लोग मत आइएगा, क्योंकि बीच में आप लोग का एक नदी भी पड़ जाता है, जहाँ से आप लोग अगर बाइक वगैरह में अगर आप लोग आएगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग आते हो तो रोंगजेंग बाईपास रोड हो गया, तो यहाँ मैं पार्क कर दिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं मेजर ग्रे वांचो का फीचरी एरिया। तो काफ़ी बड़ा है, आपको यहाँ से लेके लगभग वो सामने तो आपको जितना दिखाई दे रहा है वगैरह नहीं है। यहाँ पे 16 तारीख का बाद देखिए, इस जगह पे आपको एक पैर तक रखने का जगह नहीं मिलेगा, इतना भीड़ हो जाएगा। और प्राइस के बारे में तो पूछिएगा मत, देख लीजिए यहाँ पे ये प्राइस वगैरह को देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भीड़। तो रेडी कीजिए आने के लिए 16 मार्च 2024। और अगर आपका नसीब में ये तो बोले आपका नाम नहीं हो जाएगा। चलिए और देखते हैं उस तरफ जाके। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो दो पोखरी के बीच में है, राइट साइड वाला तो मैंने आपको दिखा दिया, तो लेफ्ट साइड वाला भी आप देख लीजिए। लेफ्ट साइड वाला भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन पहले वाला साइड थोड़ा छोटा है, ये दो में आप फिशिंग कर पाओगे। तो चलिए देख लीजिए अभी दूसरा पोखरी भी। फर्स्ट प्राइस या सेकेंड या थर्ड प्राइस आप लोग को ये, तो आप लोगों को तो ये जो फर्स्ट पोखरी दिखाई दे रहा है ना, ये फर्स्ट पोखरी में आप साइड में मत मारिएगा, बीच में मारिएगा, क्योंकि यहाँ का लोकल वासियों का कहना है कि ज़्यादातर यहाँ का मछली वगैरह बीच में रहता है। इसलिए अगर आप लोग को फर्स्ट सेकेंड या थर्ड प्राइस आप लोग अगर आप लोग को चाहिए तो जितना हो सके आप बीच में फेंकीएगा, चारा वगैरह दाना वाना कुछ हो। और ये सेम इसी तरह आप अगर आप दो नंबर पोखरी है अगर उसमें भी अगर आप मारते हो तो उसमें भी आप बीच में मारिएगा, साइड में मत मारिएगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ का मछली लोग बीच में रहता है, जमा होता है, इसलिए साइड में कम मारिएगा, सके तो बीच में लाइएगा। एक फ्री में एक अच्छा एडवाइस आप लोगों को दे दिया, तो वगैरह तो आपको दिखा दिया। तो अभी बज गया है 2:02 हो गया, तो अभी चले मिलते हैं 16 तारीख को।